गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज वापस से और एक खूबसूरत सी प्यारी सी छोटी सी कहानी आपके लिए। मैं आपका फ्रेंड महेंद्र जोशी। खूबसूरत सी प्यारी कहानी आज उन दोस्तों के नाम है जो गांव को छोड़कर अब शहर में जा बसे हुए हैं। अपने पत्नियों के साथ, खूबसूरत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और अपना एक खुद का नया आशिया बनाने के लिए बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई जैसे खूबसूरत शहरों को और जगमगाने के लिए वो भी अपनी जी जान मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीबी को खुश करने के लिए कभी गहने तो कभी साड़ियाँ तो कभी कभी मिठाई का डब्बा लेकर भी उस परिवार को खुश करने का कार्य आज भी हमारे बहुत सारे शहर के लोग कर रहे हैं। और यही शहर के लोग आए हैं वही एक छोटे से गांव या कस्बे से। कोई राजस्थान के छोटे से गांव से आया है, तो कोई गुजरात के, कोई महाराष्ट्र के, तो कोई हरियाणा या पंजाब के गांव से दूर अपने गांव की मिट्टी सौंधी सौंधी खुशबू अपने हृदय में छुपाए आए हैं। आज ऐसे ही कुछ लोगों को हम ये प्यारी सी कहानी पेश कर रहे हैं जिसको बहुत समझने योग्य है। मैं महेंद्र जोशी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें समझा सकूं जो आपके हृदय में बहुत गहराई में छुपी हुई है। उसका एहसास है पर फिर भी नहीं है। कहानी कुछ प्रकार से है कि एक खूबसूरत सा गांव है। गांव में बहुत प्यारे प्यारे मकान हैं, गली है, और गली के एंड में एक खूबसूरत सा प्यारा सा मकान है। ये मकान में रहती है एक प्यारी सी बुढ़िया। बुढ़िया का नाम है खुशी माँ। नाम ही ऐसा है, खुशी, नाम में खुशी झलक आती है। खुशी माँ अकेली इस बड़े से घर में रहती है। घर में चार कमरे हैं, एक किचन है, बड़ा सा बरामदा है, और बरामदा के बाद खूबसूरत सा बड़ा सा कंपाउंड। उस कंपाउंड के बाद आती है एक बड़ा सा गेट। कोई गेट को खोल के अंदर झांक के देखता है तो हमेशा वो खुशी माँ जो है वो अपने छोटे बड़े मिला के टोटल 9 एनिमल्स हैं, जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली तो है, साथ साथ में 3-4 बकरियां हैं, एक आध दो गाय और भैंस। जब भी कोई उस खिड़की से झांक कर उस घर में नजर डालता है तो खुशी माँ बस इसी जानवरों के साथ कभी झगड़ा करती हुई, कभी बक 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 बोलती हुई, कभी डांटती हुई, अरे ओए गंगा गाय क्या कर रही है तू, वो घास मत खा, वो तो काली बकरी का है, भैंस तो अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ, अरे वो काली कुत्ती इधर आओ। कभी झगड़ा कर रही है तो कभी मना रही है, कभी रूठ रही है तो कभी उसी गाय को अपनी गरम गरम रोटी भी खिला रही है। गांव वालों को पता था खुशी माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों शहर में जाके बसे हुए हैं। बच्चे अच्छे हैं, संस्कारी है, गुणी है। खुशी माँ को हमेशा कागज पत्तर लिखते रहते हैं और बच्चे भी लिखते हैं कि माँ जी इधर आ जाओ, यहाँ पर भी आपकी बहू है, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम भी हैं आपके बेटे। बेटों में कोई कमी नहीं थी, पर माँ उसको पड़ोसी के पास जाके पत्र लिखवाती थी और कहती थी कि नहीं बेटा, मुझे तो बस यहाँ की मिट्टी और यहाँ के खेती बाड़ी पसंद आते हैं, यहाँ के जानवर और हमारे पड़ोसी। सुबह शाम बस 2 राम राम और जय श्री कृष्ण बोलने वाले मिल जाए तो मुझे उसमें मजा आता है, पर हाँ आप जल्दी से इधर आओ, बच्चों को लेके आओ, बहू को लेके आओ। और वो जो बच्चे हैं उसका पत्र आता और उसमें वही सारी बातें लिखी होती जो हमेशा लिखी होती है कि
जॉब है, इतनी छुट्टियां इकट्ठी नहीं हुई है, एक आध दो दिन आना जाना, और 4-5 दिन आपके पास रुकने के लिए कम से कम 5-10 दिन को तो छुट्टियां चाहिए ही माँ। वो इकट्ठी हो जाएगी, मैं जरूर आऊंगा। फिर तो बच्चों की छुट्टियां नहीं है, अभी आपकी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। हाँ, पर ये पैसे भिजवाए हैं। पर माँ, एक काम करो ना, तुम अब भजन कीर्तन करो। ये कहाँ तुम ये भेड़ बकरी और गाय भैंस के बीच में पड़ी रहती हो? भगवान भजन कीर्तन करो, तबीयत को ठीक तरह से रखो, और ये पैसे जो तुमने मंगवाए थे वो भेज रहे हैं। इस तरह से खुशी माँ के जीवन के अंदर हमेशा ये पत्र ही उसकी खुशी बन गई थी। ऐसा एक पत्र आया तो खुशी माँ आई मेरे पास, मेरी दुकान पे, हाथ में एक पत्र। उसका जवाब लिखवाना था तो मुझे वो पकड़ाया, बोला, ले बेटा जरा पढ़ क्या लिखा है। और मैं बोलूँ, वो जरा लिख के दे मुझे। ठीक है, लाओ माँ जी। कागज भी घर से लेके आई थी और कलम भी, तो मैंने कागज कलम लिया और बोला, हाँ माँ जी बोलो क्या लिखूं। तो मैंने लेटर पढ़ा, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से लिखा था, तो मैंने भी थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया और बता दिया कि भाई माड़ी बात तो सही है, बेच दो अभी एनिमल, ये जानवर को क्या करोगे, निराते शांति से रहो, किस बात की कमी है आपको, हैं? अच्छे भेज तो रहे पैसे। तब अचानक से खुशी माँ के चेहरे पे आंसू छलक आए। धीरे धीरे करके खुशी माँ बोले कि बेटा, ये जानवर है ना, उसको बेच तो दूं? बेचने की कोशिश भी बहुत की, बेच देती हूँ ना तो ये लेने वाले उसको लेके चले जाते हैं यहाँ से, कोई दूसरी गली, कोई दूसरा मोहल्ला, तो कोई दूसरे गांव में भी ले जाते हैं। ट्रक टेम्पो आता है, उसमें चले जाते हैं, और फिर जैसे रात होती है, वो जानवर, उसकी साकल है, चेन है, उसका जो दौरड़ा है, खिल्ला है, उसको तुड़वा देते हैं और भागते दौड़ते वापस से मेरी ये गली के अंदर, ये दरवाजे के बाहर आके जोर से चिल्लाते हैं, और इस तरह से चिल्लाते हैं जिससे कि खुद का घर हो और मेरे खुद के बेचे, जिसको मैंने बेचे नहीं है, मेरे खुद के शरीर के अंश है वो, उसको बेचे नहीं है पर वो चले गए हैं। और इस तरह से उसने वो पेज को फाड़ दिया। रोते हुए आंसू से बस इतना ही बोल पाए कि अब तो बस बेटा, मेरे लिए ये जानवर ही मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे ही अब मेरे लिए कहीं ना कहीं जानवर बन चुके हैं। वो बच्चे जो शहर में चले गए, माँ को याद तो करते हैं पर माँ की जो हालत है वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। पैसे बहुत कमा लिए, प्यार रुक गया है। वही राजस्थान के गांव, गुजरात के गांव, महाराष्ट्र के गांव में आज भी कुछ ऐसे बूढ़े और बुढ़िया अपने बच्चों के इंतजार में लगे हैं। ये कहानी ऐसे माँ बाप के लिए है। आशा करता हूँ कि मैं आपके दिल को छू पाया होगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताएगा। थैंक यू वीरेश, आपका दोस्त।